नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी बेहद दिलचस्प मुद्दे की। मुद्दा सवाल इस बात को लेकर कि क्या कांग्रेस के घर का कोहराम आखिरकार कैसे होगा शांत। ये बात क्यों? कांग्रेस के घर के भीतर धड़ों की कमी नहीं है जिसको लेकर सवाल अक्सर खड़े होते रहे, लेकिन अब मसला एक शख्स को लेकर खुलकर आ गया है। वो शख्स जो कभी कांग्रेस का गढ़वाल में सबसे बड़ा चेहरा था, ब्राह्मण चेहरों में, जो कभी हरीश रावत के बेहद खासम खास, जब उन्हें कमान सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की, तब उसमें हरीश रावत ने अपनी पसंद की मोहर लगाई। आप कुछ कुछ समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। अब उनको लेकर हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। हाल ही में उस कांग्रेस से मुलाकात करने की खबरें सामने आई और इन तस्वीरों में दावा किया गया था कि वो किसी बीजेपी के बड़े नेता से देहरादून के रेस कोर्स में मुलाकात करके बाहर निकल रहे। वो तस्वीरें मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो शख्स कौन थे जिसको लेकर हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दे दिया? वो शख्स थे किशोर उपाध्याय, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, गढ़वाल के बड़े ब्राह्मण जो कभी हम साथ साथ है के नारे देते थे, साथ चलते थे, आज दोनों अलग अलग कैसे हो गए? और यहां तक कि हरीश रावत से जब यह सवाल पूछा गया तो पहले उन्होंने कहा कि मैं कोई भी कमेंट इस पूरे वाक्य पर नहीं करूंगा। जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने उनसे इस विषय को लेकर सवाल पूछा, ये तो पहली बार हरीश रावत ने किसी बयान को लेकर कहा कि नो कमेंट, जो हर बात पर देना जानते हैं हरीश रावत। उस सवाल पर पूछा, उन्होंने कहा कि था लेकिन अब नहीं है। मतलब संकेत क्या है? किशोर उपाध्याय इस पूरे के पूरे सियासी बवंडर के सियासत के केंद्र में आने वाले, चर्चाएं कई हैं, अफवाहें कई उड़ रही हैं। हाल ही में वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करने पहुंचे। खबरों में कितना दम है और कितनी अफवाहें, और चर्चा यह भी आई कि वो समाजवादी के अखिलेश यादव से मुलाकात कर, ये कांग्रेस के घर में चल क्या रहा है? और हरीश रावत को लेकर किशोर उपाध्याय क्यों नाराज है? और हरीश रावत ये क्यों कह रहे हैं कि हम दोनों के रास्ते अलग? अब उन्हें मेरे ऊपर विषय ऊपर दादू, इस विषय पर आज मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हरीश रावत का वो बयान सुनाना चाहूंगा जिसको लेकर सियासी कोहराम कि आखिरकार किशोर उपाध्याय को लेकर हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। पहले ये बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हाल ही में एक आपने वीडियो देखा होगा, मुलाकात करते हुए निकल रहे हैं, मीडिया ने उनको देख लिया,
वो तमाम खबरें उड़ रही हैं कि किशोर उपाध्याय जी, आपने भी कहा कि चोरी कर मुझे मैं इस मामले में कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आप रोकेंगे नहीं किशोर उपाध्याय? देखिए वो मेरे राजनीतिक एजेंडे के एक हिस्सा थे। आप हैं तब तक होते हैं जब आप विश्वास करते हैं। आज उनको मुझ पर विश्वास नहीं है। यदि मुझ पर विश्वास होता तो फिर उनको नया एजेंडा अपनी राजनीति का बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो जिस एजेंडे पर हम काम कर रहे थे वो उनका मेरा कॉमन एजेंडा था। मैंने कहा उनका हमारा कॉमन एजेंडा था, हमने मिल करके कुछ एजेंडे बनाए थे, उन्होंने हमारे साथ काम किया था और बहुत अच्छा काम किया था, और इसलिए मैं उनके प्रश्न पर, इन सवालों पर, ये निजी उनके जो ये निजी उनके एडवेंचर हैं, इन एडवेंचर्स में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना भर कहना चाहूँगा कि मेरी शुभकामना। हरीश रावत ने अपनी बात को रखा और जिस अंदाज में रखा उसने संकेत दे दिए कि वो किशोर उपाध्याय से बेहद नाराज, बेहद खफा है। अब सवाल ये कि आखिरकार किशोर उपाध्याय जो कल तक उनके आज इसी पर ही सियासी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जिनसे करेंगे आज हम चर्चा। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं विपिन कैंथोला जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ ही साथ हमारे साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। हमने जीत राम जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जो कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले विपिन कैंथोला साहब, आपसे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये हरीश रावत जी का बयान संकेत क्या दे रहा है? क्या बात पक्की हो गई है क्या आप लोगों की? विपिन जी देखिए तिलक भाई, हरीश रावत जी क्या कह रहे थे उनका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन भाई मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में आप सालों से उत्तराखंड को कवर करते हैं, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपने इस उत्तराखंड को कवर किया। हरीश रावत जी राजनीति की वो किताब है जो दिखती तो लेकिन उसकी भाषा जो है लोगों को समझ नहीं आती उस किताब की, वो कौन सी भाषा में किताब लिखी गई है हरीश रावत जी नहीं जानते। हरीश रावत जी अपनी पार्टी के अंदर आपने देखा होगा कि 2017 से पहले कितनी बड़ी टूट उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर हुई, और उस समय के तमाम जो उनके नेता थे उन्होंने कहा था कि हरीश रावत जिस प्रकार से केवल एक ही व्यक्ति का और हरीश रावत जी के मैं बोलूं तो वो जब देखो कभी भी वो अपनी पार्टी के लिए कंफर्टेबल लीडर नहीं, कभी अपनी पार्टी के लिए कंफर्टेबल। मुझे ये बताइए विपिन जी आप तो प्रदेश प्रवक्ता है, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता है, मैं तो आपको बहुत विद्वान मानता हूँ उत्तराखंड के तमाम प्रवक्ताओं में से। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए किशोर उपाध्याय
देखिए तिलक भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये तो समय के साथ पता चल जाएगा कि कौन हमारी पार्टी में आ रहा है, कौन ज्वाइन कर रहे हैं। अब कांग्रेस के लोग इस प्रकार की लुहाट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज कांग्रेस के पास ना मुद्दा है, ना कांग्रेस के पास कुछ सिस्टम है, ना कांग्रेस के पास कुछ बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से तिलक भाई 5 वर्ष में उत्तराखंड को संवारने का काम किया है, आज हताश कांग्रेस है। कांग्रेस के नेताओं के बीच में जिस प्रकार से आपस में मनमुटाव चल रहा है और वो दिखता भी है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में दिखता है, वो कभी मारपीट हो जाती है उनकी पार्टी मुख्यालय में, सारी चीजें मीडिया से छुपी नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कुछ पता नहीं। नहीं, किशोर उपाध्याय का वेलकम है कि नहीं? देखिए ये कौन, मैंने कहा ना तिलक भाई, कौन हमारी पार्टी में आ रहे हैं, कौन आएंगे, इस पर हमारी स्क्रीनिंग कमेटी होती है पार्टी की और वो फैसला लेती है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला लेता है और जी, तो आपको हरीश रावत जी, किशोर उपाध्याय जी बता कौन आएगा कौन जाएगा। ओके ओके, अभी मेरे साथ जो है जीतराम जी भी जुड़ रहे हैं। जीतराम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मेरी आवाज जी। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया है सर, ठीक है। जीतराम जी, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि किशोर उपाध्याय और मेरे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि कल तक वो मुझ पर विश्वास किया करते थे, अब नहीं करते। ये विश्वास क्यों टूट गया हरीश रावत जी का किशोर उपाध्याय पर और किशोर उपाध्याय का हरीश रावत जी पर? मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोनों हमारे सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं और सभी आदरणीय हैं, और वरिष्ठ लीडरों में इस तरह का जो है वो कोई इस तरह का कोई वो नहीं बनता है। हो सकता है कि कोई आपसी वो रहे होंगे, बातचीत रहे होंगे, लेकिन हमारे लीडर्स जितने भी सीनियर लीडर हैं वो सब एक साथ मिल करके एक साथ कांग्रेस के लिए काम करेंगे और एक साथ कांग्रेस को यहाँ पर उत्तराखंड में विजयी बनाएंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दोनों बड़े लीडर्स पे। हरीश रावत नाराज, नाराज हरीश रावत किशोर उपाध्याय से, दिक्कत तो होगी ना सर कि नहीं होगी? जी वो व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन पार्टी के लेवल पर दोनों लीडर हमारे सम्मानित है, दोनों बड़े लीडर्स हैं, उत्तराखंड के बड़े लीडरों में शुमार हैं और दोनों मिलकर के उत्तराखंड में कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कांग्रेस को जीत दिलाने का काम करेंगे और 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस को स्थापित करने का काम करेंगे। आपकी किशोर उपाध्याय जी से बात हुई? जी नहीं, मेरी तो अभी तो नहीं हुई सर। नहीं हुई, वो आजकल कांग्रेसियों का फोन नहीं उठा रहे सर? नहीं ऐसा नहीं, अभी तक तो परसों तक तो किशोर उपाध्याय जी दिल्ली में थे और देहरादून में थे, हमारी मुलाकात हुई, ऐसा तो कहीं हमको मुझे नहीं लगा। आपको नहीं लगा, लेकिन बसंत कुमार जी फिर ये कौन अफवाह उड़ा रहा है कि किशोर उपाध्याय कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं? हरीश रावत जी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं रहा, मैंने उनसे कई बार पूछा तो उन्होंने कहा कि अब वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जीतराम जी कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जो हरीश रावत कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दोनों बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस के घर में ही रहेंगे। आपको क्या लगता है बसंत जी, सुनने में आया कि वो तो आपसे भी टच में थे? देखिए मैं तो ये जानता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करने लायक कुछ है ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अविश्वसनीय पार्टियां हैं दोनों, और ये नेता भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, और इन्होंने करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने 21 सालों तक उत्तराखंड प्रदेश के साथ विश्वासघात किया है। जो विश्वासघात करते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता है, और आपस में अब इनका सर फुटोवल जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि दूसरों को धोखा देते देते ये खुद अपनों को भी धोखा देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। और दूसरी बात, हमने तो शुरू से इनका नाम रखा हुआ है कांग्रेस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। पिछला वाला 2017 से 2022 का जो सरकार चली है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश में अप्रत्यक्ष गठबंधन चलाया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। मुझे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले बता दें कि वो अप्रत्यक्ष गठबंधन नहीं है, जहां कांग्रेस के 5 पूर्व मंत्री वर्तमान सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। जब कांग्रेस में थे तब भी कैबिनेट मंत्री थे, और जब भाजपा की सरकार आई तब भी वो कैबिनेट मंत्री थे, अब वो वापिस भी जाने लगे हैं। उनको ये शंका होने लगी कि यार अब शायद कांग्रेस वालों की बारी आएगी, शायद भाजपा का टर्न खत्म हो गया है। मैं समझता हूं कि इनको ये सच्चाई पता कर लेनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई में कांग्रेस का नंबर आने वाला है? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का नंबर आने वाला है?
नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गलत फहमी में है, और इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ना कांग्रेस की बारी आने वाली है ना भाजपा की बारी आने वाली है। अब विकल्प सामने आ चुका है, सवाल कबूल कर गए बसंत जी। अभी तक सुनिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं, सुभाष जी सुनिए, अभी तक भारतीय, आप मेरे मुंह में इनके पक्ष के शब्द नहीं डाल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। ना आप पीछे देख रहे होंगे, मेरे पीछे लिखा हुआ है ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। पूछिए विपिन जी सत्ता में है, पूछता नहीं पूछता सवाल, पूछिए जीतराम जी सत्ता में सवाल, सत्ता में होंगे तो इनसे ही सवाल पूछूंगा, आप भी सत्ता में होंगे आपसे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन मसला भी संगठन का है। आपको हम जवाब देने के लिए, आपको हम जवाब देने के लिए भी तत्पर रहेंगे, और आज भी जवाब देने के लिए तत्पर हैं, और हम जो करेंगे उसकी बात भी हम स्पष्ट करते हैं, इनकी तरह घोषणाएं नहीं करते, गारंटी देने का काम करते हैं और गारंटी पूरा भी करते हैं। बसंत जी मैंने तो सिर्फ इतना पूछा, आपके टच में थे कि नहीं किशोर उपाध्याय? देखिए ये बात जो है, आप मेरे से यहाँ बागेश्वर में हूँ, मैं मुझसे पूछेंगे तो मुझे सुरशेष नेतृत्व का सवाल है, पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, और आम आदमी पार्टी से ऐसा कोई संपर्क उनका अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी तक नहीं हुआ संज्ञान में नहीं है। विपिन जी एक मिनट, अभी बताता हूँ कहानी क्या है। जीतराम जी और विपिन जी, ये हमारे सामने पांच खिड़कियां हैं, एक खिड़की में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, एक खिड़की में बसंत जी दिखाई दे रहे होंगे, एक में विपिन जी दिखाई दे रहे होंगे, और एक खिड़की में आप हैं जीतराम जी। और विपिन जी, आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, अब मैं एक पांचवी खिड़की है जिस पर अब मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो किशोर उपाध्याय की 2 दिन पहले 3 दिन पहले 4 दिन पहले 1 हफ्ता पहले जो विपिन जी कह रहे थे ना, मुझे क्या मालूम किससे बात हुई, कहां बात हुई, वो भी बताऊंगा अभी। लेकिन जरा मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जरा आप तस्वीरें प्ले करिए, वो रात के अंधेरे में कहां से मुलाकात हो रही थी, किससे बात हो रही थी, वो तस्वीरें क्या कहती हैं, जरा उसको लेकर भी मैं यहां पर सवाल खड़ा करूंगा। और मैं चाहूंगा जरा किशोर उपाध्याय की रात के अंधेरे वाली वो तस्वीर, विपिन भाई ये तस्वीरें दिखाई दे रही है आपको सामने, किशोर उपाध्याय रात के अंधेरे में शॉल ओढ़े हुए और जा रहे हैं, और हमारे मीडिया के एक साथी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, जगह बताऊं जीतराम जी? जी या पहले विपिन जी बताएंगे? विपिन जी जगह बताऊं, एड्रेस बताऊं, नेता का नाम बताऊं, ये आप खुद बता देंगे। देखो तिलक भाई, आपने कहा कि मिलने की बात नहीं थी, आपने कहा कि आ रहे हैं, तो मैंने कहा हमारी स्क्रीनिंग कमिटी होती है, हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता तय करते हैं कि कौन हमारी पार्टी में आ रहा है, कौन हमारी पार्टी में आएगा, हमारी पार्टी के, ये हमारी पार्टी के नेता झूठी है। देखो तिलक भाई, इनके बगल में ठीक इसी के बगल में दूसरा गेट कांग्रेस के बड़े नेता का घर भी है, तो इसलिए आप बिल्कुल धनोल्टी वालों का घर भी है, आपको सब, आपको सब पता है। मेरा ये कहना है, आपके सवाल का जवाब मैंने ये दिया था कि देखिए हमारी पार्टी में कौन आएगा इसका समय पर आपको पता चल जाएगा, आपको भी बताएंगे बिल्कुल, अगर जो कोई आ रहा होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जो आई मीटिंग और भी है, एक इस मीटिंग के बाद जो रिस्पना के पास एक होटल है, अब उस होटल का नाम मत बताइए, जो आपका पावर सेंटर है वहां पर भी एक मीटिंग हुई है। और जीतराम जी आप ये तस्वीरें देखी आपने, आपने कहा कि हरीश रावत जिसे मैंने 4 बार पूछा तो उन्होंने कहा कि अब वो उस पर विश्वास नहीं करते, किशोर उपाध्याय बताइए कि हरीश रावत जी पर विश्वास नहीं करते जिन्होंने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, अब ये तस्वीरें क्या कहती है जीतराम जी, तस्वीरें झूठी है? जी नहीं, तस्वीरें हम झूठी नहीं कहते हैं, तस्वीरें सही हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं या मैं किसी के मिलने जा रहे हैं, हम भी जाते हैं किसी बड़े नेता के पास, वो दूसरी पार्टी का विरोधी विपक्षी पार्टी का हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उस पार्टी से उस पार्टी में जाने का वो बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत सत्य होते हैं जी। रात के अंधेरे में, वो रात का अंधेरे भी हो सकता है, सवेरे का उजाला भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, जब समय मिलेगा तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, राजनीतिक पार्टी एक दूसरे से, हमारा कोई ऐसा वो थोड़ी है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत संबंध सबके होते हैं, राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल पूरी खाई और दीवार लगा दी कि हम यहाँ इस दीवार से उधर उस दीवार में नहीं जाएंगे, जैसे हरीश रावत जी चले जाते त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिलने, ये वो वाली मुलाकात थी,
जी जी हो सकता है भाई, मुलाकात तो ऐसी नहीं है कि उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पार्टी में चले गए, वो तो मुलाकात तो हम लोग जो है उधर से जो है रात के अंधेरे दिल के उजाले किसी समय में जब समय होगा तो मिलने को जाएंगे, जब दोनों को समय होगा तो लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उस मिलने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी पार्टी से छोड़ रहे हैं या उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको हैरानी नहीं हुई ये तस्वीरें देख के? जी नहीं, हमको तो नहीं हुआ, हम तो भाई मिलने का उसमें क्या, हम भी बड़े नेताओं से मिलते हैं, हम भी विपक्ष के लोगों से मिलते हैं, सब हमारे भाई। अब यहाँ पर हमारे बसंत जी बैठे हैं, अमित जी बैठे हैं, इनके सब लोग, विपिन जी बैठे हैं, क्या हम इनसे मिलेंगे नहीं, क्या इनसे बातचीत नहीं करेंगे? और उसका मतलब ये थोड़ी होता कि हम उस पार्टी में चले गए और हमारा कोई समझौता हो गया। बसंत जी वो कह रहे रात के अंधेरे में मुलाकात होगी तो क्या बात हो गई? अब हरीश रावत कह रहे हैं कि वो मुझ पर विश्वास नहीं रखते, वो कह रहे हैं कि हम लोग भी तो बात करते हैं रात के अंधेरे में जाकर। सुभाष जी मैंने तो उसका जवाब पहले ही दे दिया है कि रात के अंधेरे में, रात के दिन में कहीं भी वो मिल सकते हैं, क्योंकि उनका अप्रत्यक्ष गठबंधन है और अप्रत्यक्ष गठबंधन में रात के अंधेरे में ही मिला जाएगा। और जहां तक कि अभी हमारे कांग्रेस के जीतराम जी कह रहे हैं कि हम तो हर किसी से मिलेंगे, शादी समारोह में किसी ओकेजन में मैं मिलने को तैयार हूँ, पर मैं व्यक्तिगत रूप से आपको राजनीतिक रूप से ऐसे मिलने को तैयार नहीं हूँ जहां मुझे सौ लौड़ के मिलने को जाना पड़े। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। आप विलय क्यों नहीं कर लेते एक दूसरे की पार्टी का, एक कांग्रेस नाम रख लीजिए, अकेले चुनाव लड़ लीजिए, हम सामने खड़े हैं। अच्छा विपिन जी, विपिन जी ये जीतराम जी मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो जाए। क्या ये बात सच है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो जाए? देखिए भाई, कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा वो समय के साथ पता चलेगा। और जिस प्रकार से हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई कि इनके जो प्रवक्ता थे तेज तरार प्रवक्ता वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? ऐसी क्या बात हो गई कि जो इनके दो IAS अधिकारी जो इनकी पार्टी में शामिल थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए? विश्वास की बात करते हैं, ऐसा अभी तो ये उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं, और इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं अभी तक चुनाव भी नहीं लड़ा है, और जिन लोगों के साथ ये मिल करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे वो इनका जहाज से उतर गए, इनके 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 जहाज से उतर के दूसरे जहाजों में समा चले गए। और देखिए ये प्रत्यक्ष, अरे तिलक भाई देखिए विषय किशोर उपाध्याय, आप जीत राम जी से बात क्यों नहीं कर रहे? मैं जीत राम जी से कह रहा हूँ, बात का जवाब तो दे दूं जी, अब इनकी बात का जवाब तो दे दूं कि गठबंधन किसका है। तिलक भाई आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार का गठबंधन रहा कि नहीं रहा? ममता बनर्जी ने जब पूरा का पूरा विपक्ष मोदी जी के खिलाफ 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में जब कोलकाता में मिला था तो क्या वो जो इनके मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी वो काय को गए थे वहां, चाय पीने गए थे क्या? विपक्ष का, पूरे विपक्ष का एक ही टारगेट रहता है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भैया इस प्रकार की बातें मत करिए टीवी चैनलों में बैठ करके, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार रही है पूरे देश को पता है। अब मुद्दे पे आऊं, किशोर उपाध्याय को लेकर चर्चा थी विपिन जी, जीतराम जी कह रहे हैं रात के अंधेरे में तो कोई भी किसी से मुलाकात करने चला जाता है। विपिन जी आप भी जाते हैं कभी रात के अंधेरे में कभी किसी कांग्रेस नेता से मुलाकात करने चौड़ ओढ़ के? देखिए तिलक भाई मैंने कहा ना किसकी मुलाकात हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें आपके सिनेरियो में दिख भी रही हैं, लेकिन कौन पार्टी में आएगा, कौन पार्टी में किस समय आएगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, कौन ज्वाइन कर रहा है कौन ज्वाइन नहीं कर रहा है। और देखिए अक्सर हमारे भी मित्र, मतलब ही नहीं हो सकता किशोर उपाध्याय बीजेपी में आ जाए। देखिए तिलक भाई मित्रता, जैसे जीतराम जी कह रहे हैं मित्रता सबकी होती है, अभी हम आपके यहाँ भी आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे, इसमें कोई वो क्या है, लेकिन ये तो किशोर उपाध्याय जी बता सकते हैं और हरीश रावत जी बता सकते हैं, जो कांग्रेस के लोग आपस में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये लोग यही लोग बता सकते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि फूट होगी। देखिए कांग्रेस में वैसे ही फूट है, कांग्रेस में तो वैसे ही फूट है, कांग्रेस कहां है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, बीजेपी अपने को संभाल ले, अपना कुनबा संभाल ले, तमाम बड़े नेता उनके लाइन में बैठे हैं कांग्रेस में आने के लिए,
और बीजेपी का अपना जो है, बीजेपी बहुत कह रही है कि प्रदेश में हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो जिस तरह से बीजेपी के अंदर लोगों में आक्रोश है, उन्हीं के नेता असम में, पूरा आपने देखा होगा कि काऊ जी और धन सिंह रावत जी के बाद रायपुर में क्या हुआ, ऐसी और विधानसभाओं में लंचडॉन विधानसभा में क्या हो रहा है। तो अपने को संभाल ले, फिर उसके बाद कांग्रेस की बात करें, अपने को संभाल लो पहले जो है, अपने लोगों को संभाल लो, अपने मंत्रियों को विधायकों को संभाल लो पहले जो है, उन्हीं में आपस में जो है वो आपस में बट रहे, आपस में फुटबॉल बन रहे एक दूसरे के जो है। तो कांग्रेस तो अपनी जगह पर, कांग्रेस अपने एक जो पार्टी है, कांग्रेस मजबूत पार्टी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के विकास के लिए काम किया है और उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ने का काम करेंगे। किशोर उपाध्याय से नाराज क्यों है? देखिए वो व्यक्तिगत कोई वो हो सकती है बात, लेकिन वो पार्टी स्तर पे नहीं नाराजी है, हम कह सकते हैं कि पार्टी स्तर पर कोई नाराजी है, व्यक्तिगत तो आपस में कोई चीज हो सकती है कि हो सकता है किस सेंस में रावत जी ने कहा, किस उस पे कहा, उसको हम नहीं कह सकते हैं। अगर रावत जी ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है तो उन्होंने बहुत सोच समझ के किया होगा, किस सेंस में कहा होगा वो सेंस में हम यहाँ पर नहीं बता पाए कि उन्होंने किस संबंध में कहा है या किशोर उपाध्याय जी किस संबंध में नाराज जी। आप गारंटी लेते हैं किशोर उपाध्याय की? नहीं नहीं भाई, गारंटी तो हम क्या, हम तो बड़े नेता हैं, उनकी गारंटी स्वयं वो गारंटी है, स्वयं अच्छा। के जो है हमारे बड़े नेता हैं और स्वयं वो अपनी गारंटी स्वयं है, बड़े लीडरशिप है। नहीं नहीं गारंटी की बात क्या हो, अब गारंटी हम कैसे कह दें कि गारंटी का जो है, हम किसी की गारंटी ले, बड़े लीडर्स हैं हमारे, सम्मानित हैं और हमको पूरा विश्वास है कि विश्वास की बात होती है, गारंटी की बात नहीं है, नहीं, विश्वास की बात है, हमारा पूरा विश्वास कर लूंगा, हमारा विश्वास है कि कोई भी बड़ा नेता हमारा कांग्रेस। जीत राम जी कह रहे मैं विश्वास कर लेता हूँ विपिन जी, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, मैं आपकी बात पे विश्वास कर लेता हूँ जीत राम जी। आप देखिए कार्यकारी अध्यक्ष भी है, कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरे भी हैं, और किशोर उपाध्याय गढ़वाल के ब्राह्मण चेहरों में से एक है आपकी पार्टी के, तो एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप अभी लाइव में फोन मिला कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उनसे कहिए तिलक चावला खबर दिखा रहे हैं, बस इतना बोल दीजिए उनको कि ऐसे ऐसे खबर दिखा रहे हैं, हरीश रावत जी ने कहा है आपको लेकर, आप इस पे एक छोटा सा बयान जारी कर दीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कर देंगे भाई, बयान भी जारी कर देंगे हम, आप जो है लाइव में थोड़ा आप इंतजार कर दीजिए, हम उनसे फोन जोड़ करके बात कर लेंगे, हम अपनी जो पार्टी के अंदर की बात है, पार्टी के फ्रंट की बात है, तो विपिन जी तो तभी तो कह रहे हैं ना कि आपके यहाँ तो फूट ही फूट है, और बसंत जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी वही कांग्रेस है। नहीं 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 फूट की कहीं बात ही नहीं है, हम जो पार्टी लेवल की बात हम करेंगे, व्यक्तिगत हो सकता है हमारे किसी से व्यक्तिगत कोई बात है और किस सेंस में कही है ये हम नहीं कह सकते। आपके घर का जो आप कह रहे हैं ना कि वेलकम है, कोई भी आना चाहे तय कर लेगी पार्टी हमारी और उनको ले लेगी शामिल, लेकिन एक बयान आपके घर का भी सुनाऊंगा, वहीं से सुनाऊंगा टीवी से ही, लेकिन उससे पहले बसंत जी अपनी बात रखिए, ये कह रहे हैं ना जो कुछ चल रही है खिचड़ी वो सब समझ में आ रही है, लेकिन ये खिचड़ी आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं पकी किशोर उपाध्याय की? देखिये हमारे पार्टी का साफ सुथरा सिस्टम है, यहाँ पर 3C का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, क्रिमिनल क्रिमिनल और करप्ट इंसान के लिए आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं है, और हम लोग पूरी चेकिंग करते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि अभी पार्टी स्तर पर अगर ऐसी कोई बात कोई आना भी चाहता है या फिर कोई वापस चले गए तो हो सकता है वो किसी लेवल पे उसमें खड़े नहीं उतरे होंगे, उनका जब बायोडाटा चेक किया गया। और तीसरा क्या बताया बसंत जी? करप्ट क्रिमिनल और कम्युनल, तीन प्रकार के लोगों की आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं, इस हिसाब से तो कोई आएगा भी नहीं बसंत जी उत्तराखंड में, नहीं सारे अच्छे लोग आ रहे हैं, सारे अच्छे लोग आ रहे हैं, आधी कैबिनेट जिन पे आरोप लगाया था ना विपिन जी ने, वो आज उनकी आधी कैबिनेट का हिस्सा है, जो कभी हरीश रावत जी के कैबिनेट में थे, यही थे जो जिनके ऊपर आरोप लगाया इन्होंने क्रिमिनल होने का, करप्ट होने का और कॉमिनल होने का, कोई नहीं मिलेगा आपको फिर। देखिए देखिए क्राइटेरिया और उनका हो सकता है, हम तो चेक करते हैं, और हमारे अपने किशोर उपाध्याय इनमें से तो कहीं, वो क्रिमिनल थोड़ी ना, वो तो राज्य आंदोलनकारी, हम तो कह रहे हैं कि वो बताते हैं कि गलत है, हम तो कह ही नहीं रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी आएगा, वही तो पूछ रहा हूँ आपकी बात क्यों नहीं, आपकी बात क्यों नहीं बनी किशोर उपाध्याय से, क्या चाह रहे थे वो सीएम बनकर कह रहा हूँ, हमने कब कहा कि हमारी बात हुई थी उनसे, हम तो कह ही नहीं रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं, तिलक जी पार्टियां पूछ तो लो, पार्टी के लोग क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं भाई, अभी से अभी तो चुनाव शुरू छोड़ रहे हैं, पहले भाग गए बताओ, आपको पता है कौन कौन लोग पार्टी छोड़ने गए हैं, अरे भाई कौन कौन लोग पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस में कौन, बीजेपी में कौन, निर्दल में, अभी तो आपको बात ही नहीं हुई है, और करप्शन की बात तो तिलक भाई इनको पता है, पीडब्ल्यूडी में
किसके किसके साडू भाई का लड़का दिल्ली में पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार है, पूरे देश की जनता जानती है। अरे साहब कुमार विश्वास क्या बोलते हैं केजरीवाल के लिए तिलक भाई, अलका लांबा ने क्या बोला केजरीवाल के लिए तिलक भाई, इनको बताइए। अलका लांबा इनकी विधायक थी, कांग्रेस में चले गई और कांग्रेस आप बताइए जवाब दीजिए, अलका लांबा ने क्या बोला केजरीवाल जी के लिए बताइए। हमारी तो कोई बात ही नहीं, बसंत जी कह रहे हैं कि किशोर उपाध्याय से हमारी कोई बात ही नहीं हुई, ठीक वैसे नहीं हुई जैसे रात के अंधेरे में जीतराम जी ने कहा कोई भी किसी से मुलाकात कर लेता है शॉल ओढ़ के। लेकिन एक खबर और भी है जीतराम जी, मालूम तो आपको भी है, जो आजकल बीजेपी का पावर सेंटर बना हुआ है ना रिस्पना पुल के पास एक होटल है जी, शायद विपिन जी वहीं से लाइव है अभी, वहां पर भी एक मुलाकात हुई है, अंदर की खबर बता रहा हूँ सर, और कुछ वहां पे भी एक मुलाकात हुई है। आज आपने मुद्दा इस अब देखिए, अब ये देखिए किसकी मुलाकात किस परिपेक्ष में किससे होती है, अब ये तो आप लोगों का न्यूज है, वो हमारे पास तो कोई ऐसी वो नहीं है कि हमें कहीं कोई मुलाकात हुई होगी या कोई वो लाएगा, हम तो इसका खंडन कर रहे हैं कि ऐसे कोई उपाध्याय जी उपाध्याय जी बड़े नेता है। ए भाई कहां से लिए नेता जी, ना मसला किशोर उपाध्याय का, विपिन जी भी टाल रहे हैं मसला, टाल रहे हैं किशोर उपाध्याय का। मैंने तो हरीश रावत से तीन बार पूछा जीतराम जी, देखिए विपिन जी भी जानते हैं, मैं कोई खबर ऐसे किसी आधार, जब तक आधार नहीं होता मैं खबर नहीं चला जी। मैंने हरीश रावत जी ने ये बात बोली, मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और उन्होंने कई बातें बोली और उन्होंने एक और खुलासा किया है विपिन भाई, मैं बता दूं उन्होंने एक खुलासा और किया है, पुराने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं एक शख्स को मंत्री नहीं बना पाया जो आज की तारीख में इनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री, धामी सरकार, उन्होंने कहा मुझे बेहद अफसोस है कि मैं उसको कैबिनेट मंत्री नहीं बना पाया, मुझे मालूम नहीं था कि उसके अंदर इतनी कुव्वत है। वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बहुत जल्दी मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया के टाइमलाइन पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात अब विपिन जी, मैं एक बयान सुनाऊंगा, ये बयान आपके टिहरी से विधायक कौन है विपिन जी, टिहरी से विधायक, टिहरी से ही चेहरे हैं आपके विपिन जी, जरा प्लीज प्ले करिएगा, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा इस बयान को प्ले करिए और फिर इसके बाद इस सियासी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और उमा जी का भी बयान है आम आदमी पार्टी से, दोनों बयानों को प्लीज प्ले करिए। कांग्रेस में तरह तरह की बातें चलती हैं और तरह तरह के कांग्रेस में गुट हैं, कोई क्या कह रहा है इस बात का कोई महत्व नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं वहाँ का विधायक हूँ और मैंने 5 साल टिहरी विधानसभा में ऐतिहासिक और बेहतर काम किए हैं, इस बात का प्रमाण जनता देगी। मेरी पार्टी में जो सिद्धांत हमारी पार्टी का, जो लोग भ्रष्ट हैं जिन्होंने अकु संपत्ति इकट्ठी की है, जिन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोपों, 420 के आरोपों, ठगी के आरोपों, जिनका परिवार SIT जांच में हो, जो लुकआउट नोटिस पे हो, जिनके परिवार के मेम्बर आन, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आने का सोच भी कर सकते हैं, और सोच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन पर विचार करेगी, इस बात को दूर तक की संभावना नहीं है। किशोर उपाध्याय जी के भाई पिछले 5 साल में स्टीरी देहरादून जनपद में उन्होंने 500 करोड़ की जमीन के घोटाले किए हैं और किससे छिपा नहीं है, SIT जांच हुई है, हमारी सरकार में हुई है, और उनकी पत्नी लुकआउट नोटिस है, पुलिस का 2 साल से अंडरग्राउंड है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और हमारी पार्टी में जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है और जो हमारा विकास का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस बात में कोई दम नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो एक प्रकार से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, और उस भ्रम में जीने हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए करेंगे। लेकिन कोई भ्रष्ट और बेईमान लोग हमारी पार्टी में आएंगे इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हरीश रावत जी जिस तरीके से किशोर उपाध्याय को पार्टी से भी अलग मान रहे, तो कैसे देखते हैं? हरीश रावत जी कब क्या कहते हैं वो उनका बात है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। उनकी पार्टी में तरह तरह के गुट हैं और किस गुट में है वो तो वो जाने, उनका हमें कुछ नहीं कहना, हम अपनी बात कहनी। सर एक और चीज़ है कि आपकी सरकार ने पिछले दिनों आचार संहिता लगने के ठीक एक दिन पहले कई शिक्षकों के ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन अब सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र वापस ले लिए गए विभाग की तरफ से, क्योंकि विपक्ष के बड़े आरोप लगे थे कि आप लोगों ने बैग। मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं तो आज ही आया हूँ और मुझे क्षेत्र में जाना है, तो मेरा विषय नहीं, जिनका विषय आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं।
अभी एक खबर आई है कि हरीश रावत जी ये कहते हैं कि किशोर उपाध्याय उनकी पार्टी के व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस की क्या विडंबना है कि जो व्यक्ति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है उस व्यक्ति को आज कांग्रेस में ये सम्मान हासिल है कि उस व्यक्ति को एक सामान्य कार्यकर्ता भी नहीं समझा जा रहा। तो विपिन जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन मैं बता देता हूं, आपके विधायक पता क्या कह रहे थे, आप बैठ के कह रहे हैं ना कि आपके नेता भी कह रहे हैं कि वेलकम है, जो आना चाहे आ जाए। आपके विधायक कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके परिवार के ऊपर क्रिमिनल आरोप है, हमारी पार्टी उन्हें कतई नहीं लेगी, मतलब ही नहीं उठता किशोर उपाध्याय बीजेपी में आ जाए, और आप बैठ के और आपके नेता कह रहे हैं कि वेलकम, रात को अंधेरे में मुलाकातें हो रही है। विपिन जी देखो तिलक भाई, मैंने कहा ना कि किशोर उपाध्याय आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये किशोर उपाध्याय बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई लीडर आएगा, कौन लीडर आएगा, कौन आ रहा है, ये सारी चीजें तय करने के लिए हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व होता है। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो भी निर्णय प्रदेश का नेतृत्व लेता है या राष्ट्र का नेतृत्व लेता है, उसका पालन करता है। किशोर उपाध्याय आते हैं तो फायदा होगा बीजेपी को, देखिए मैंने आपको बता देंगे तिलक भाई, आप हमारे मित्र हैं, आपको फोन करके भी बता देंगे जब भी कोई आएगा तो बता देंगे, कुछ नहीं नहीं आपको बता देंगे, जिस दिन कोई आ रहा होगा तो आपको, आपके तो वैसे भी संवाददाता वहां पे होंगे, जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में, जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता, जो भी पर्सनैलिटी ज्वाइन करती है उसका बता दिया जाता है, जैसे ही कोई भी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा जीतराम जी, ये कह रहे हैं कोई भी आएगा बता दिया जाएगा, अभी विपिन जी ने एक और खुलासा किया पता आपको, उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बीजेपी नेता के घर की तो तस्वीरें हैं, लेकिन इसके साथ एक कांग्रेस के बड़े नेता का भी घर है। धनोल्टी वालों से पूछा आपने कि क्या चल रहा था वहां रात के अंधेरे में? जी नहीं, हमने तो इस चीज का जो है, हमने बीच में हमारे संज्ञान में आया तो ऐसा तो हमको नहीं लगा कि किशोर, तो काफी दिन हो गए हैं और ऐसा कहें किशोर उपाध्याय जी, आपकी बात से सहमत हूं मैं, काफी दिन हो गए इस तस्वीरों को, लेकिन उसके बाद हरीश रावत जी से मेरी कल बात हुई थी, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैंने अभी अभी आप बयान सुनाया, उन्होंने कहा कि वो अब मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा किशोर उपाध्याय के बारे में। अब वो किस सिलसिले में उन्होंने विश्वास की बात की है, माननीय हरीश रावत जी ने किस सिलसिले में किशोर उपाध्याय से ये कहा कि वो विश्वास नहीं करते हैं, कई मायने हो सकते हैं, किसी और मुद्दे पे हो सकता है विश्वास न करते हो, पर ऐसा हमको नहीं लगता है कि जो शख्स ऐसा मुझे नहीं लगता कि किशोर उपाध्याय जी विश्वास नहीं करते, जिस शख्स ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया आप उस पर विश्वास नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, हरीश रावत जी बड़े नेता है, उन्होंने किसी परिपेक्ष में कहा होगा, अगर कहा है उन्होंने ऐसा कहा है तो पूछ रहा हूँ किस परिपेक्ष में कह दिया कि वो किशोर उपाध्याय है। ये तो बेहतर है कि रावत जी ही बता पाएंगे कि उन्होंने किस परिपेक्ष में ऐसी बात कही है, ऐसे बयान किशोर पार्टी को जी, पार्टी में जब पार्टी फोरम की वो व्यक्तिगत की बात है, पार्टी के लिए पार्टी के लेवल पे कोई बात ऐसी नहीं है, हरीश रावत व्यक्तिगत है आपके लिए, हरीश रावत व्यक्तिगत है? नहीं नहीं, हो सकता है उनने वो अविश्वास की बात व्यक्तिगत वो होगी, उनने ये थोड़ी कहा कि कांग्रेस में विश्वास नहीं है किशोर उपाध्याय जी का, या कांग्रेस से कांग्रेस के चेहरे, सबसे बड़े चेहरे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बारे में ये बात कहते हैं कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं नो कमेंट इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं तो उन्होंने किस परपेक्ष में किस रिलेशन में कहा, उन्होंने किस रिलेशन में कहा वो हमको उसको हम भी नहीं वो पाएंगे। अच्छा, किस रिलेशन में कहा ये तो वही जानते हैं, ये तो रावत जी कहते हैं किस परपेक्ष में उन्होंने कहा उनको। अगर ये बात कही है असली कहानी पर, असली कहानी पर देखिए बसंत जी, राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और उत्तराखंड की सियासत में तो अक्सर ऐसा होता है। हो सकता है कि रात के अंधेरे में जो तस्वीरें सामने आई वो प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, शायद हो सकता है कि वो टीवी से चुनाव न लड़ना चाह रहे हो, शायद हो सकता है कि विपिन जी के साथ राज्यसभा की बात चल रही हो तो बहुत कुछ सकता है। बसंत जी आपको क्या लगता है चल क्या रहा है? जीत राम जी कह रहे हैं कि ये तो हो सकता है हरीश रावत बता सकते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही, लेकिन चल क्या रहा है बसंत जी, आपका आकलन क्या है? देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा अविश्वास है, इनका तो मंच में भी झगड़े आपने देख टेलीविजन स्क्रीन में आपने जो है इनके फुटेज जारी होते हुए देख रखे हैं। मैं एक बात आज बता देना चाहता हूं तिलक जी, आपने जो काम कर दिया, आपने एक काम बड़ा जोरदार कर दिया कि अब अगर किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं तो वो दो चार दिन रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने डिबेट ऐसे बिंदु पर कर दी है, क्योंकि ये मामला अब उछलेगा नहीं, आगे दब जाएगा, क्योंकि ये आपने खुलासा ऐसा कर दिया, चार दिन इसको चलने देते तो आपको भारतीय जनता पार्टी के गोद में ही नजर आते हो,
लेकिन अच्छा? आपने पहले ही खुलासा करके ये साबित कर दिया कि अब शायद आगे की बात हो पाना बड़ा मुश्किल हो गया इनका। नहीं 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 जीतराम जी अभी फोन करेंगे जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा। मैं तो उनको कह रहा हूँ फोनो फ्रेंड की सुविधा भी उपलब्ध है, आप फोन करिए, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, फोन करके पूछिए, बेशक मेरा नाम लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा नाम लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनसे पूछिए कि चल क्या रहा है। हरीश रावत जी क्यों कह रहे हैं विश्वास नहीं है, वो कह रहे हैं कि चार दिन पहले अगर ये कार्यक्रम नहीं किया होता तो चार दिन बाद गोद में होते बीजेपी की। ऐसा नहीं है, किशोर उपाध्याय जी हमारे सम्मानित लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े पदों पे रहे हैं, और उन्होंने जो है कांग्रेस से आज से नहीं, हमें जो हमारे सम्मानित लीडर हैं, और उनका ठीक है ये मिलना जुलना या किसी का एक दूसरे पे व्यक्तिगत हो सकता है वो, लेकिन पार्टी के लेवल पे कहीं किशोर उपाध्याय जी ने पार्टी के लेवल पे कोई ना बात कही है, ना रावत जी ने ऐसी बात कही है, तो ये तो आपसी बातचीत की बात जी ने कही है, तभी तो ये बात हुई है। जीतराम जी, रावत जी ने ये बात कही है तभी तो ये बात हुई है। अब रावत जी ने किस भाई रावत जी ने किस परिपेक्ष में कहा है ये तो रावत जी ही इसका जवाब दे पाएंगे। नितिन कैंथोला जी, रावत जी ने किस परिपेक्ष में कहा है, जीतराम जी कह रहे हैं वो तो वही बताएंगे, लेकिन किशोर उपाध्याय क्या वाकई में समीकरण बदल सकते हैं आपके लिए टिहरी में, अगर एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखा जाए तो क्या आपके लिए फायदे का सौदा नहीं है किशोर उपाध्याय? देखिए तिलक भाई, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा, हमारी लंबी चेन है भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ता भी नेता भी आप जिस भी उसके हैं वो काम करते हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी धर्म के हैं, सभी प्रकार के कार्यकर्ता, सभी प्रकार के नेता, आप प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अलग अलग, देखिए 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 कुमाऊं के समीकरण को साधते हैं, आप कह रहे कि अजीत राम जी ने जब भी मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण हुआ तो चेहरा ठाकुर होना चाहिए प्रदेश में, आपने क्या नहीं बनाया क्या? भारतीय जनता पार्टी सभी मैंने कहा ना सभी चीजों को साथ करके चलने वाली पार्टी है, निश्चित रूप से किशोर उपाध्याय ना सर, निश्चित मैंने कहा ना, आप देखिए किशोर उपाध्याय अभी 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 कार्यक्रम को खत्म कर दूंगा, आप ये कहिए कि हमें किशोर उपाध्याय की जरूरत नहीं है। मैं कौन ऐलान करने वाला हूँ किशोर उपाध्याय जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, किशोर उपाध्याय जी जाने की आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किशोर उपाध्याय जी की बात किशोर उपाध्याय जाने, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते तिलक भाई आपको कह सकता हूँ कि जब भी कोई आएगा, जब भी कोई ज्वाइन करेगा आपको पता चल जाएगा उसका। नहीं नहीं मैं तो बहुत कुछ ज्वाइन होने के वो भी देखा है सर, बस पे सवार होते हुए। जीतराम जी जी, गणेश गोदयाल जी तो कह रहे थे कि मेरे संपर्क में 24 विधायक हैं, आए तो अभी दो ही, यहाँ से तो जाने आएंगे और संपर्क में है। देखिए कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कांग्रेस के आने में लाइन लगी है, और अभी जो है कांग्रेस ऐसे कांग्रेस उसमें राय मशवरा करेगी, हमारा तय करेगा कि किसको पार्टी में लेना है किसको नहीं लेना है। और जो गणेश मान्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उन्होंने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कई कांग्रेस के संपर्क में है, लेकिन कांग्रेस को तय करना है अपना, हमारा पार्टी कमान तय करेगा, हाई कमान तय करेगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ऐसे थोड़ी कि हम जो है जो आना चाहे वो पार्टी में आ जाए। हमको अच्छा, जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी तीन नेताओं की, जिसके बाद हरीश रावत जी नाराज हो गए थे और उसके बाद ट्वीट हुआ था, वो सब कुछ इत्तेफाक था क्या? नहीं नहीं इत्तेफाक जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कई लोग जो है वो कांग्रेस में आने को हरक सिंह रावत जी आपके सामने है, कितनी बार उन्होंने पैरवी कर दी है आपके पास, आपके पास काऊ जी वहां तक दिल्ली तक गए थे, और भी लीडर है कई जो है भाई ये चीजें तो सब जो है। तीसरे नाम भी बता देंगे, समय आएगा तो वो नाम भी आ जाएगा, सब लोग अभी तो लोग पैरवी कर रहे हैं अपने जो कांग्रेस में आने में भाजपा से, तो निश्चित रूप से विपिन भाई खबर, दिल्ली में मुलाकात हुई, ये कह रहे हरक सिंह रावत की भी मुलाकात हुई, कह रहे हैं कि काऊ साहब से भी मुलाकात हुई, यस ये खबर तो सब जानते हैं, लेकिन आज खुलासा जीतराम जी कर रहे हैं, मुलाकात हुई, समझ रहे हैं आप? ये रुक क्यों गए हरक सिंह रावत, फिर जीतराम जी क्यों रुक गए हरक सिंह रावत, क्या हुआ ऐसा भैया? डोईवाला से बात नहीं हुई?
देखिए वो तो पार्टी हमारी पार्टी तय करेगी या उनको तय करना जो भी होगा उनके बीच की बात होगी, उस बात से हमारा कोई सरोकार भी नहीं है। ये तो पार्टी हाई लेवल हमारी तय करेगी कि किससे क्या बात हुई और किस तरह से उनको पार्टी में पार्टी से उनकी क्या कंडीशन थी, टर्म्स कंडीशन क्या थे, क्या वो उनके वो है, क्या वो चाहते हैं। एक मसूरी जहां पे उन्होंने मामला फिक्स कर लिया भेज के, एक लैंसडाउन, एक डोई वाला और एक सीट और है, अभी उसका मैं बाद में नाम दूंगा। क्या यह टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है? और ये तो आपकी, ये तो आपका वो है जो मैं तो विधानसभा के हिसाब से बता रहा हूं सर। ये तो प्रेडिक्शन है, वो लड़ेंगे नहीं क्योंकि भाई ये तो प्रेडिक्शन है, उसको ना मैं कह सकता हूं, उसको मैं नहीं कह सकता हूं। जीत राम जी, वो प्रेडिक्शन ना मैं कर सकता हूं ना कोई प्रेडिक्शन, वो तो वही जाने जो जिन लोगों के बीच में बात हुई होगी वही जाने प्रेडिक्शन, तो मैं भी नहीं करता। जिन्होंने आपकी पीठ पर खंजर घोंपा आप उन्हें कह रहे हैं कि आ जाओ दोबारा से? नहीं नहीं, वो तो पार्टी हाईकमान तय करेगी, हम नहीं कह रहे हैं। हरक सिंह रावत जा रहे हैं पार्टी हाईकमान, हमने कहा पार्टी हाईकमान तय करेगी किसको आना है, हरक सिंह रावत आपके साथ आ रहे हैं, किसको आना है किसको नहीं आना है, ये तो हाईकमान तय करेगा हमारा, हम नहीं तय कर रहे, हमारा पार्टी का एक नेतृत्व है। तस्वीरें देखी नहीं आपने? मेरे को लग रहा जीत राम जी ने वो हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीरें नहीं देखी मुख्यमंत्री के साथ। हमारा ये हाईकमान तय करता है किसको पार्टी में आना है किसको नहीं आना है, कौन पार्टी में हमें जी। हरक सिंह रावत की क्यों गारंटी दे रहे हो सर? वो तो विपिन जी की गारंटी दे सकते हैं। हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते, हमारा हाईकमान तय, हमारा हाईकमान तय करेगा किसको आना है किसको नहीं आना है। ये तो एक पार्टी का अपना वो होता है और पार्टी तय करती, पार्टी स्तर पे निर्णय होता है। जीत राम जी तो कहानी में ट्विस्ट गया है, ये कह रहे हरक सिंह रावत आने वाले हैं, हरक सिंह रावत नहीं, हमने कहा देखो उनने अपनी पेशकश की थी, हम नहीं कह रहे हैं कि आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं, वो तो पार्टी हमारी पार्टी हाईकमान तय करेगी या वो तय करेंगे, हमने थोड़ी तय करना। हरक सिंह रावत जी को अगर आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, वो पार्टी तय करेगी। चाह रहे थे आप, बिल्कुल सही कह रहे, आना तो चाह रहे थे लेकिन दिल्ली वालों ने खींच ली। वो तो हमारी पार्टी हाईकमान तय करेगी किसको करना है किसको नहीं करना, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आने के लिए हमको पार्टी हमारी तय करेगी, क्योंकि पार्टी तय करेगी किसको हमको लेना है किसको नहीं लेना है, तो पार्टी का मैटर है। सर 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 ये ईडी और सीबीआई का जिक्र कर रहे हैं शायद आप, वो ऐसी हरक सिंह रावत से ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वो ईडी और सीबीआई से थोड़ी ना डरते हैं, है ना सर? नहीं, हमारा कोई थोड़ी ना, विपिन जी सुना आपने, वो कह रहे हरक सिंह रावत आने वाले हैं, आने वाले थे आने वाले हैं नहीं थे। विपिन जी मैंने सही कहा ना? देखिए तिलक भाई, इस मामले में जब ये बातें चली थी तो हरक सिंह रावत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह भी दिया था, और जितना कड़वा उन्होंने हरीश रावत जी के लिए कहा शायद ही कोई नेता इतना कड़वा हरीश रावत के लिए उन्होंने कभी कहा होगा। इसलिए ये सारी चीजें कांग्रेस के लोग और तमाम चीजें चलती रहती है, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, वो कहीं जाने वाले नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से। आपको विपिन भाई, भारतीय जनता पार्टी को और बसंत जी को भी याद होगा, संगठन थी वो, विज्ञापन समिति में आपके नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, मौजूदा सांसद और मंत्री अजय भट्ट जी, सदन में, सदन की बात बता रहा हूँ बसंत जी जी, और उस वक्त मुख्यमंत्री की भूमिका में विजय बहुगुणा हुआ करते, बेहद आक्रामक रुख में अजय भट्ट जी विजय बहुगुणा जी को जब भी सत्र होता था और सत्र के बाहर और सदन के भीतर और सड़क पर जमकर कोसते थे। तीन तीन दिन तक मैंने देखा है कि सदन तक नहीं चला, तीन तीन दिन तक, जीत राम जी गवाह हैं उसके, और उसी बस में सवार होते हुए दोनों को मैंने साथ में बैठे हुए देखा, साथ में। मैं गलत बोल रहा हूं बसंत जी? तो ये किस उदाहरण का जिक्र किया जा रहा है कि हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को बोल दिया? तो सांप और नेवले की भी बात सुनी होगी आपने विपिन जी, जब उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति आती है तो सांप और नेवले भी इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी तो सुना होगा आपने। देखिए तिलक भाई, कोई कहीं अभी जाने वाला नहीं है, भारतीय जनता कहीं जाने वाला लड़ रहे। देखिए हरक सिंह जी अभी मेरे एक घंटे पहले ही हम सब लोग एक बैठक से साथ निकले, सभी लोग अपने किस प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो हमारा 60 पार का नारा है उसको अचीव करे, इस पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बार फिर से तिलक भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है, जो प्रदेश की जनता राम जी क्यों अफवाह फैला रहे हैं आप? फिर बसंत जी आपके पास आ रहा हूं। जीत राम जी वो कह रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं आप, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी से कोई नहीं आ रहा, किशोर उपाध्याय संभाल लो, वही काफी है। हमने ये कहा कि भाजपा के कई लोग संपर्क में आ रहे हैं, आना नहीं आना ये हमारी पार्टी तय करेगी, हमारा पार्टी हाईकमान तय करेगा, एक उसका प्रॉपर होता है प्लेटफॉर्म होता है, तो हम कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो हमारी पार्टी तय करेगी। कौन कई जो लोग अप्रोच कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाजपा भारतीय जनता पार्टी से कई लोग कांग्रेस में अपनी पैरवी कर रहे हैं, अब कौन आएगा नहीं आएगा ये हमारी पार्टी तय करेगी, पार्टी हाईकमान तय करता है। हरक सिंह को रोक लोगे आना चाहेंगे तो? ये तो पार्टी तय करेगी, मैं थोड़ी तय करूंगा इसको, तो एक सामूहिक जो हमारा नेतृत्व होता है, जो हाई कमान होता है वो तय करता है। वो कह रहे किशोर उपाध्याय को रोक लोगे आप जाना चाहेंगे तो? भैया ये तो पार्टी, अब जाने आने के तो हम नहीं कह सकते जाने के लिए, लेकिन आने के लिए लोग पार्टी तय करेगी। नहीं नहीं, जो जाने वाले हैं वो किशोर उपाध्याय के लिए कह रहे हैं कि विपिन जी रोक सकते हैं। हम तो नहीं मानते कि किशोर उपाध्याय जी इतने बड़े लीडर कांग्रेस के हैं और वो कांग्रेस को छोड़ेंगे, ये तो ये भी एक अफवाह है कि वो किसी से मिलने गए और वो पार्टी हमारे, तो मुझे तो कहीं नहीं लगा कि किशोर उपाध्याय जी का कांग्रेस से कोई नाराजी है या पार्टी से कोई नाराजी है। बसंत जी वो कह रहे हैं कहीं नहीं जाने वाले, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा वो तस्वीरें एक बार फिर से जीत राम जी को दिखाइए, और बसंत जी अपनी बात रखिए, वो कह रहे हैं कहीं नहीं जाने वाले, वो तस्वीरें दिखाइए रात के अंधेरे वाली, जीत राम जी को देखिए रात के अंधेरे वाली। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में लोग जाए या कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लोग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अब आम हो चुका है, ये अब आम हो चुका है, चलता रहता है इनका। भाई इनसे पूछ तो लो कि इनकी पार्टी से कहां से आए हैं लोग, पूछ तो लो। नहीं नहीं, वो केजरीवाल जी ने फैक्ट्री लगाई, ये केजरीवाल जी ने फैक्ट्री लगाई जैसे कि आलू से सोने वाली फैक्ट्री थी, वैसे केजरीवाल जी की फैक्ट्री है क्या? हम तो आप दोनों पार्टियों में भाजपा और कांग्रेस में छटनी कर रहे हैं। अरे भाई कहां से आए नेता आप? मैं तो नाम लेकर बसंत जी कांग्रेसी थे या भाजपाई थे? बताने दीजिए विपिन जी को, विपिन जी मैं बता रहा हूँ, हमने तो भाजपा और कांग्रेस और नया राजनीतिक दल बना के उत्तराखंड का विकास करेंगे, ये हमने पहले से तय कर दिया था, और ये विकल्प के रूप में ये मैं जीत राम जी के पास जाऊं, मैं तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहा हूं वाली। लेकिन बसंत जी ये तो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं बसंत जी पहले भाजपाई थे, ये अफवाह फैला रहे विपिन जी। ये तो इनको तो मेरा इतिहास नहीं पता और उत्तराखंड का भूगोल नहीं पता, ये उत्तराखंड में राज करने चले हैं, बोलो पहले अपना जनरल नॉलेज ठीक कर लीजिए कैंथोला जी। अरे मैंने कुछ नहीं कहा भैया, तुम कौन सी पार्टी में, मुझे क्या पता, मैं तो आपकी पार्टी में कई नेता बता दूंगा कि कौन सी पार्टी में। तिलक जी गवाही दे रहे हैं, बागेश्वर से हमारे मित्र हैं, जिन्हें आपकी पार्टी ने टिकट दिया, हमारे मित्र रहे हैं कांग्रेस में भी। अच्छा, रहे हैं बहुत सारे लोग हैं साहब, विपिन भाई अभी जो पल वापस आए हमारे मित्र थे जीत राम जी की पार्टी में, तो फिर वापस आ गए, कम से कम बसंत जी की पार्टी में तो छोड़ दो कुछ। नहीं नहीं, इनकी पार्टी में कोई रहना ही नहीं चाह रहा तिलक भाई, हमारे वहाँ मैं कहता रहा हूँ, हमारे वहाँ टेस्ट, हमारे वहाँ दो आईएएस ले गए थे बसंत जी, दो पार्टी में जो गए भी है वो भी वापस आ रहे हैं। एक विपिन भाई, इंटरेस्टिंग खबर, एक खबर मेरे सहयोगी हैं सुभाष, एक एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ बसंत जी, जब से जीत राम जी, जैसे मैंने किशोर उपाध्याय वाली खबर बताई ना आपको, जिस पर हरीश रावत जी ने कहा कि मुझे आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, वो जाते हैं तो जाएं, ये संकेत वो दे रहे थे। लेकिन एक बात बसंत जी, सुनने में आ रहा है गंगोत्री वाले धर्मपुर भी आ रहे हैं, दो दो सीट पर गंगोत्री नहीं, वाले नहीं, ऐसा ये अफवाह है आपके वहां, अफवाह है आपकी। आप देखिए फ्रेम चला गया, बसंत जी को फ्रेम में लाइए, अफवाह है। मैंने कहा कि गंगोत्री वाले धर्मपुर भी आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को विशेष सूचनाएं मिलती हैं, आप लोग जिस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें कर सकते हैं।
नहीं नहीं खंडन कर दीजिए, मैं चलवा देता हूँ अभी नीचे कि बसंत जी ने खंडन किया कि कर्नल कोठियाल जो हैं वो धर्मपुर से चुनाव नहीं लड़े। मैंने इस विषय में कुछ बोला नहीं, मैंने कहा आप पत्रकार लोग हैं, आप कुछ भी चला सकते हैं, जब तक किसी बात की पुष्टि नहीं होती है हम कोई ऑथेंटिक बात बताने के लिए आपको वो नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा जिम्मेदारी आपकी भी नहीं है, जैसे जीत राम जी कह रहे हैं कि मेरा भी कोई लेना देना नहीं किशोर उपाध्याय, और मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। ओके 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 जीत राम जी अब मैंने प्रश्न आपके सामने खोल दिए, तस्वीरें आपके सामने खोल दी, आप अकेले मैं समझ गया कर्नल कोठियाल के बारे में अभी कुछ नहीं बोलना। ओके जैसे कर्नल कोठियाल कुछ नहीं बोलते बीजेपी के बारे में, वैसे कुछ नहीं बोलना। ओके नहीं बोलूंगा। ओके एक बात जीत राम जी, आप चलते चलते कम से कम ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के, आप कार्यक्रम जैसे खत्म होगा आपने लाइव में तो बात की नहीं, आप अकेले में बात करेंगे ना किशोर उपाध्याय जी से, आप मेरा नाम ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है सर, ठीक आप करेंगे आप रोक लेंगे क्यों नहीं करेंगे, रोक लेंगे उनको? नहीं वो भाई वो हमें जो है वो बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, और इस तरह से कोई बड़ा नेता पार्टी को छोड़ के नहीं जाता है, वो तो वो आपका प्रिडिक्शन है, किसी का प्रिडिक्शन हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़े नेता गए ना, वो बड़े बड़े नेता गए ना सर 2016 में, नहीं गए वो अलग से, वो अलग परिस्थिति थी, ये अलग परिस्थिति है। अच्छा आज अलग परिस्थिति है, ये राज्यसभा वाला प्रेशर तो डाल रहे आपके ऊपर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ राज्यसभा वाला जैसे विपिन जी नहीं राज्यसभा ऐसा कुछ नहीं, विपिन जी आपकी कांग्रेस की सरकार बन रही है 2022 में, कांग्रेस की सरकार बन रही 2022 में, और हमारे सम्मानित जितने भी बड़े नेता हैं वो सब अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और 2022 में कांग्रेस को उत्तराखंड में कांग्रेस को स्थापित करने का काम करेंगे। ओके ओके थैंक यू सो मच विपिन जी की मुस्कुराहट, जो आता है आए जो जाता है जाए कोई दिक्कत नहीं। बसंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जीतराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सियासत है जहां पर बयानों के भी कई मायने होते हैं। जब हरीश रावत खुल खुद कर ये कहें कि अब किशोर उपाध्याय मुझ पर विश्वास नहीं करते तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन अब किशोर उपाध्याय क्या वाकई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या वो वाकई में बीजेपी के द्वार पर जाकर कांग्रेस को संकेत दे रहे हैं, इसके कई मायने। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर पूछता है उत्तराखंड में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।